गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 30 अगस्त यानी राखी का दिन है। तो ओ मेरे सब्सक्राइबर्स लोग और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयाँ हो। इसके लिए उठ चुके हैं, घर के सारे काम भी हो चुके हैं, ये भी अब गाड़ी वाड़ी वॉश कर चुके हैं, क्योंकि आज हमें जाना है हमारी किडो को लेने। किडो माने मेरे दानदे सबसे छोटे की छोटे वाले जो सिस्टर है उनका नाम है किडो, जिनको हम प्यार से किडो बोलते हैं घर पे, और बाहर उनका नाम है निशा चौधरी। निशा, तो आज हम आप उनको जा रहे हैं उनके ससुराल लेने, क्योंकि उनके वहाँ हो चुका राखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट। तो अब उनको हम वहाँ से यहाँ लेने जा रहे हैं, जयपुर लेके आएंगे। तो आपको आज के व्लॉग में किडो को दिखाएंगे। उनकी ननद भाई साहब ने उनकी राखी बांध दी है। हाँ, अब हम लेने जा रहे हैं। तो उसका नाम है किड़ी, चिड़कली, चिड़ी, निशा, बहुत सारे नाम है, क्या क्या बताऊँ आपको बता। तो मैं चलो आज आपको सबसे पहले अपना आज का आउटफिट दिखाती हूँ। तो ये मेरा ब्लाउज, ये पेटीकोट, ये साड़ी। साड़ी बड़ी सुंदर है यार, शेडेड में है। और अब सब कंफ्यूज हो गए, ये बैंगल्स पहनूँ या ये बैंगल्स पहनूँ, क्योंकि ये भी पहले से सेट बना हुआ है। और ये आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी मैं इसके साथ वेयर करूँगी। और ये हैं मेरे मुझसे परफेक्ट ड्रेस उनके लिए, ये कुर्ता है, आज फेस्टिवल है तो हिसाब से शॉर्ट कुर्ते कुर्ते टाइप में ये वाला, और साथ में डेनिम जीन्स एंड बेल्ट। गाड़ी की चाबी रखी है, गाड़ी है तैयार। और अभी बज रहे 10:14 और हमें 11 बजे निकलना है। तो अब सीधा रेडी होके हम आपसे बात करते हैं। टाइम हो रहा है 10:54, डेडलाइन से 6 मिनट पहले। इसका मतलब ये नहीं कि हम निकल चुके हैं, 6 मिनट के अंदर निकलना भी है हमें। तो आप हो गए बिल्कुल रेडी? चलो चलते हैं। चलें? हाँ। तो आप दोनों रेडी हो गए हैं। ठीक है, टाइम आपको मैंने बता ही दिया, तो ऐसे हैं अभी। अब चल फटाफट, क्या पहनोगे आप? मैं जूती पहनूंगी। ये जूती पहनेंगे, मैं शूज पहनता हूँ, और सीधा मिलते हैं हम गाड़ी के अंदर आपको। ठीक है, हाँ। 15 किलोमीटर हो चुके हैं, बोले तो 15, और अभी भी हम जयपुर में। तो जयपुर में देखो ये जगह भी आती है, किसी को नहीं पता हो तो बता देता हूँ। चारों तरफ बाजरे की खेती हो रखी है, सिट्टे ही सिट्टे आ रखे हैं। और ये रास्ता सीधा निकलता है अजमेर रोड पे, तो शॉर्टकट पड़ता है हमारे लिए, और उससे बड़ी बात है एक टोल बच जाता है हमारा जयपुर वाला। शॉर्टकट लेके जा रहे हैं ताकि हमारा ट्रैफिक से बचने वाला, ट्रैफिक से हम बच पाए, मेन तो वही है। और दूसरा थोड़ा जल्दी पहुंच जाए हमारे किडू के पास। जल्दी पहुंच, हाँ, किडू भी वेट कर रही है हमारा कब से, बहुत टाइम हो गया ना मिले। हाँ, तो अभी क्या जयपुर में ये विश्वभू का पानी है, पता नहीं क्या लेके आ रहे हैं, समझ नहीं आया मेरे को। पूरे रास्ते जितनी भी चले जाओ इतने तोड़फोड़ कर रखी है ना, डाइवर्जन कर रखा है, कहीं कुछ कर रखा है, मैं कोई भरोसा नहीं कर सकता। आप कभी भी कहीं कोई रास्ता बंद मिल सकता है। हाँ, कोई ऐसे नोटिस बोर्ड कुछ नहीं है, कोई पहले 10 किलोमीटर पहले लगा दे कि आगे जाके बंद मिल सकता हो, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। आज बार बढ़िया सी गाड़ी चमका के लाए हैं पर वापस मिट्टी से भरने के लिए रेडी हैं। बढ़िया से ऑफरोडिंग कर रहा है, रोड खा गए यहां पूरी गाड़ी यार, रोड नहीं देखो, एक बार पीछे देखो। इतने टाइम तक आया हूं ना, इतनी प्यारी रोड थी, एक खड्डा तक नहीं था इस रोड पर। ठीक है, और अब देखो ऐसा लग रहा है आगे रास्ता ही नहीं है। बस ये गवर्नमेंट वाले लगा दिए बैरिकेडर्स, और इसके अलावा देख लो आप उतनी सी वहां दिख रही होगी हल्की सी, यहाँ वाले तो पूरी टूट के पता नहीं कौन सा बांध बनाएंगे, क्या करेंगे। ये भी देखो इतने लगा लगा के हर जगह कर रखा है। तो चलो रास्ता खुला है, वो थोड़ी हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब रास्ता समझ गए होंगे आप लोग, ये है मणिपाल यूनिवर्सिटी। ओके, जो दिखती है बड़ी प्यारी, ये देखो सामने से तिरंगा भी लहरा रहा है सामने, क्या प्यारा व्यू आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कौन सा रास्ता है जो जयपुर से है। बस अब अजमेर रोड पे पहुंचने वाला है। तो आज हम कैसे लग रहे हैं दोनों, ये कमेंट करके आप जरूर बताना। ठीक ही लग रहे हैं
डालते हैं। मारवाड़ी में जो भाद्रे में होती है, मणिपाल यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा बैरिकेड लगा रखा है। तो ये है अजमेर रोड। उड़ते हुए जा रहे हैं हमारे किडो के पास। मतलब हाईवे की स्पीड उसमें आपको चलना पड़ेगा, उसको मैंने उड़ते हुए बोला है। तो आप ऐसे मत सोचना ओवर लिमिट करके ऐसे कुछ चल रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हाईवे में की स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है, आपको उतने में चलना ही होगा। 80 की लिमिट, किसी को नहीं पता है तो मैं पहले बता देता हूँ। 80 के ऊपर आप चल रहे हो, जगह जगह इंटरसेप्टर्स खड़ी रहती है, जिसका आपका भी पता नहीं कर सकते कि कब कहाँ खड़ी रहती है, कब आपका खड़े खड़े चलते चलते चलान कट जाए। लोगों को पता होता है, जैसे मुझे पता है कौन कौन से स्पीड कैमरा जोन है कौन से नहीं है, तो मैं उसके हिसाब से चलता हूँ, ठीक है। और हाईवे पे आप कभी पता नहीं कर सकते वाली चीज। तो जिसका वेट था वो ओवर हुआ, हम केडी को लेके वापस निकल चुके हैं। ओके, तो जल्दी से आपको केडी से मिलाते हैं। ये बेटी केडी है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? ये है मेरी केडू। नाम हमने आपको बता ही दिया, इनका नाम है निशा चौधरी। केडू तो हम इनको प्यार से बोलते हैं, केडू केडी हमारे घर के नाम है, ठीक है। जो कि हम सिर्फ हम लोग बोल सकते हैं, हर कोई नहीं बोल सकता। ये पहले बता देते हैं, ये नहीं आप कमेंट में कुछ भी कीड़ी मीड़ी ऐसे ये सब नाम नहीं चलेंगे, वो बस हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ आके? अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को बहुत मिस कर। अल्लो, 5 मिनट हुए नहीं इधर से निकले हुए, बुलाएंगे वापस? नहीं अभी मैं मेरे मायके आई हूँ, तो 3 डेज में आप लोगों के साथ एंजॉय करूंगी, उसके बाद में मैं फिर जाऊंगी ससुराल। ये चले हम ससुराल से मायके की तरफ इनके। हाँ, 15 डेज के वेकेशन पे आए हैं, छुट्टी दिला के लाए हम इनको वहाँ से, इनके मेन हेड ऑफिस से छुट्टी दिलवा के लाए राखी के त्योहार पे। अब हमारे वेकेशन स्टार्ट। हमने एप्लीकेशन लगाई और एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई हमारी, हमने अर्जी लगाई और अर्जी एक्सेप्ट हो गई है। तो ये है, हम तीनों जा रहे हैं वापस घर पे। अब घर जाते हैं, जल्दी से मम्मी से मिलते हैं, पापा से मिलते हैं, रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं और मेरी डियर सिस्टर से भी मिलते हैं। हाँ। जी हाँ। जिससे आप तो मिलते हैं जल्दी ही, बने रही है हमारे साथ ब्लॉग में आगे इंटरेस्टिंग चीजों के लिए। ब्लॉग टेक ओवर, जयपुर जाके अब हमारी, अब 15 दिन हमें भूल जाओ, अब लोग इन्हीं के हाथ में दे देंगे, ये संभालने वाले ब्लॉग है, ब्लॉग यही करती रहेगी, हमारी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हेलो गाइस, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, मुझे भैया और भाभी कौन से रास्ते से लेके आए मुझे नहीं पता है, लेकिन आप एक बार व्यू देखो, यहाँ किसके खेत में लाए हैं आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा फोटोशूट हो रहा है। ये देख लो इन दोनों को, ये मुझे उठा के किसी भी रास्ते से लेके आ जाता है, लाइक कुछ भी चाहेंगे। भैया ये कौन से रास्ते से आप मुझे लेके आए? ये इनको ज्यादा टाइम दिखा दिया था, मणिपाल यूनिवर्सिटी वाला रास्ता है जो सीसी रोड पे आके कनेक्ट होता है, वो वाला रास्ता है। अच्छा ओके, तो हो सकता है काफी लोगों को पता हो, क्योंकि मणिपाल तो बहुत जयपुर से उनको फेमस है, जयपुर वाले जयपुर वासियों को तो जरूर पता होगा। ये बाजरी उग रही है यहाँ पे, जो पक चुकी है, जो ऑलमोस्ट पक चुकी है। मन तो कर रहा है कि इनके खेत में जाए चोरी करके एक दो बाजरी लेके आए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, वरना मुझे इतना ध्यान नहीं है इन चीजों का, बाकी तब पता की बाजरी है। सो यस, हमारा फोटोशूट हो रहा है यहाँ पे, फोटोशूट करते हैं और जल्दी से हम घर पे जाते हैं, मम्मी पापा से मिलते हैं। क्या वापस बोलना? मैं आपके टक्कर की फोटोग्राफर हूँ। सही में? गाइस आपको मैं दिखाऊंगी यूट्यूब पे मेरे पिक्चर्स और ओके ठीक है, देखेंगे। लो चलो आओ, मुझे तो बस फोटो खिंचाने से मतलब है, मुझे चाहिए खींचे चल के देखो, मेरी बस फोटो अच्छी आनी चाहिए। ये भी है, बैठ गए बच्चा। पकी याद आ रही है यार, वेट इन दोनों का तो पता नहीं, मेरे को तो पसीने आ रहे हैं इतनी देर में ही। मुझे भी आ रहा है, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, मुझे जल्दी से मम्मी पापा के पास लेके जाना। तो चलते हैं, फाइनली मिठाई तो सेलेक्ट कर ली है, लेकिन ये आपको घर जाके बताएंगे हमने कौन सी मिठाई ली है। तो किडू ने मिठाई ले ली है, खीडू आगे आगे, बेबो पीछे पीछे। हम तो पहले खरीदारी कर चुके हैं, हम पहले राम राखी का पहले खरीदारी। हाँ, ये व्लॉग देखोगे तब तक वो आ चुका होगा। हाँ। थेले थेले थेले
सब जगह 10 जगह रोकेगा, लेकिन मुझे ये काना नहीं लेके जाएगा। ये देख लो आपका काना, मैंने कब मना किया? आप ही नहीं लेके जा रहे हो, इसलिए मुझे 10 जगह उतरना पड़ रहा है। यार बाहर भी देख, इतनी दुनिया देखी, वरना तो कहाँ चल जाती। ज़्यादा लेट ठीक है, मुझे चॉकलेट्स मिठाई सब मिल गया। हाँ देखो सब मिल गया। चलते हैं फिर मम्मी के पास। की शिकायत है आपको? आप मुझे मेरे फेवरेट काना में नहीं लेते। फेवरेट काना में? यस। आओ मेरी बोटी। कौन सी गाड़ी है? एडवोकेट वाली गाड़ी है ना, हाई जी जी जी। हाँ जी हाँ, रिवील थोड़ी करना। नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी, ये मारवाड़ी भी बोलती है, पकड़ी गई, देख लो अब दो। क्या बोला था आपने? अरे चलो रे घर, चलो रे, मुझे मम्मा से मिलना है, मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। पिंग हो गई है, प्लीज चलिए, मैंने बहुत सारी मिठाई चॉकलेट ले ली है, जल्दी से चलते हैं, राखी बांधते हैं और फिर सब कुछ खा, सारी चीजों की अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या क्या लाई हमारे लिए किडो। यस हाँ जी, लो जी बात करनी है, बात कर लो चीनी से। अब तो यार राखी सेलिब्रेट करनी है, वेट नहीं हो रहा है, घर पहुंचे फटाफट। लोगों को देख के तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे, सब राखी बांध के घूम रहे, बट हमारा आलम यार, हम किडू को लेने गए थे, फिर किडू आई है आज यहाँ पे। लोगों के आ जाते हैं ऐसी, एक दिन पहले भी आ जाते हैं कुछ भी, तो किडू ने क्या खुद अपने ससुराल में पहले राखी सेलिब्रेट किए, उनके खुद के ननद आए, वो भी कहीं अपने ससुराल से आए वहाँ पे, कितनी सुंदर सी राखी बांध के गए। पर अभी हमारे, हम दोनों की राखी घर जाके बंधेगी, तो चॉकलेट्स भी बोल रहे, चलो सीधा घर चलते हैं। ईमानदारी बताऊं कितनी है? हाँ। देखो रेट थी 100 के 5 नारियल और 2 नारियल साथ जोड़े तो 140 रुपीस के होते हैं। उसने मेरे को 460 पूरे दे दिए, जबकि हमारे रुपीस होते हैं 360। मैं वापस देगी, मैंने कहा भैया आपने ज्यादा दिए, मैं वापस जाके उसको देख के आई हूँ। इतनी ईमानदारी, किसी की मेहनत नहीं खानी चाहिए, इससे हमें ये सीख मिलती है कि भाई ना तो हराम का कभी खाओ, और किसी ने अगर मेहनत की तो उसको उसका देना चाहिए। और दूसरा हाँ, जो खाते हुए दिख रहा है उसको खाने भी मत दो। हाँ नहीं वो बात तो है, क्योंकि ऐसे हम मॉल वॉल में देखते हैं, वो हमको फटाफट वही रोक लेते हैं। मेरे साथ भी कई बार हुआ। तो ये तो सर भाई रोड पे अपनी मेहनत से बेच रहे हैं, तो इनको तो अटले समय हमेशा देना चाहिए, जिनका जितना वाजिब बनता है। चॉकलेट्स गिनने लग गई है, बोल रही है मम्मा 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 कर रही है, जल्दी चले चलो। ऐसे किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, तो अब चलते हैं हम भी, चले। और जो ये लोगो आ रहा है, इस लोगो पे मत जाना, ऐसा कोई खतरनाक या भयंकर वाला लोगो नहीं है, ठीक है। ये बस जो ड्राइवर का जो राइट साइड टायर है, आगे वाला फ्रंट वाला, फ्रंट राइट टायर जो है, उसमें वो है क्या बोलते हैं, थोड़ा एयर प्रेशर कम है, तो उसका लोगो आ रखा है कि आप टायर में हवा फील कर लीजिए। और ये पगला गया एक तरह से, बताऊँ कैसे, आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो, ठीक है। 33 उसमें भी है, 32 नीचे वाले में भी है, लेकिन जो LP लिखा रहा है, लो प्रेशर लो प्रेशर, उसमें देखो कितना दिखा रहा है, 32। और होने को पीछे वाला जो लेफ्ट रियर वाला टायर है, रियर लेफ्ट वाला, उसमें 31 है, लेकिन उसमें ये शो नहीं कर रहा है एरर। इसके क्या हाल ही पड़ी है अलग से। तो ये रूप देख के समझ गए होंगे कि घर पहुंच चुके हैं, ससुराल आ गया। क्या ससुराल में घूम रहे थे आसपास ही? पूरा जयपुर ससुराल ही है वैसे तो, घर पैर पापा जी, और सबसे मैं रखती हूँ। तो रोड बन गई है, हम पहुंच चुके हैं घर पे। हॉर्न बजा दो। क्यों बजा दो? मम्मी पापा को पता चल जाए बेटी आ गई। ऐसा क्या? यस बजा दिया। तो अगेन हमेशा की तरह पीछे लो। उधर भी जाओ पंडित सर, थाली लाऊं क्या आंटी के आपके लिए? ले आओ। है उधर देखो, अलग ही मिलाप चल रहा है दोनों का, बाप बेटी का अगर मिलाप चल रहा है। लो आप एक और करो। मैंने मेरा फोन आपके पास है ना?
अरे पिचकाएगी क्या मम्मा को बिल्कुल ही। मम्मा फुल ऑन रेडी हुए किडू के लिए, किडू के वेलकम के लिए मम्मा पहले से रेडी हो गए हैं। और जो के अंदर रेडी हो रहे हैं। हाय, ये जूसर है। और ये रेडी हो रही है, अब तक रेडी नहीं हुई है। मैं इतना जयपुर घूम के आ गई हूँ लेकिन ज्योति अब तक रेडी नहीं हुई है। अब दोनों बहनों का मिलाप हो रहा है। फाइनली एट होम। अब हम राखी सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद में जल्दी से आपको दिखाते हैं। जल्दी से ब्लॉग देखना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। हाँ, तो हम घर आ चुके हैं, तो अभी सब पोशाक पहन रखे हैं, तो मैंने कहा मैं भी चलो पोशाक पहन लेती हूँ। तो अब साड़ी को तो चेंज करते हैं, पोशाक पहनते हैं, फिर वापस रेडी होते हैं, फिर राखी सेलिब्रेट करते हैं। कपड़े चेंज, वाइब्स ही अलग आ रही है। तो जो सच में फाइनल टच है वो है ये। तो ये है हम दोनों का आज का आउटफिट। इन्होंने पहना व्हाइट शर्ट एंड डेनिम जींस और मैंने पहनी पोशाक। अच्छे लग रहे हैं दोनों। सेव इलेक्ट्रिसिटी। कैसी लग रही हूँ मैं? सुंदर लग रही हूँ। अति सुंदर। पर आप भी? मैं तो सुंदर ही हूँ। हम दोनों साथ दो के आज की ड्रेस। मेरी मम्मा तो सुंदर ही है। ये हमारी फैमिली की छोटी सी मिनी फैमिली। Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Happy
तो राखियां बांध चुके हैं, ये देखो मेरी राखियां और इनके भी देखो मैचिंग की है हम दोनों के, है ना, दोनों की ट्विनिंग है, सेम टू सेम ट्विनिंग, ट्विनिंग हां सेम टू सेम, ये भी ट्विनिंग है वो सेकंड वाले भी ट्विनिंग, ये भी रेड के साथ रेड है। हां तो सच में मजे आए, खूब सारी मिठाई चुरा चुरा के खाई मैंने तो मेरे तो उस चीज़ के मजे आ गए। तो अब हम सारे क्या कर रहे हैं, फोटो के लिए हमने कूलर वगैरह सब हटा दिया था, अच्छी अच्छी फोटोज है, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि क्योंकि जो हमारे कीड़ू है उसके एक और भैया हैं, क्या बोलते हैं, मुंह बोले भैया बोलते हैं क्या, तो मुंह बोले भैया उनके घर जा रहे हैं, हम सभी जा रहे हैं, तो अभी हम निकल रहे हैं, अभी देखना गाड़ी भर के जाएंगे, अलग ही मजे आते हैं यार। ब्रो यार गलत बात है ब्रो, सर देख देखो सब देखो, तो मजे की बात यह है कि पीछे की तरफ मौसम देखो, सिटी की तरफ बिल्कुल अच्छा हो रहा है बारिश वाला, और बाहर निकले और ऐसा अच्छा मौसम हो जाए और क्या चाहिए, इस तरफ इतना नहीं है अभी, हो जाएगा। लोग के टाइम पे देखो सबको चुप रहना पड़ता है, गाने बंद करने पड़ते हैं, परेशानी तो खूब उठानी पड़ती है। हाँ जी, ये दबी हुई आवाज आ रही है, वो यहाँ बैठे हैं, कहाँ है देखो, इधर देखो ये It sound right, boy. स्वागत है। चाचू निकाल दो हमारे स्वागत के लिए। हाय प्लीज। आप जाओ, हम दोनों चाय भी बना लाएंगे और कॉफी भी बना लाएंगे। पक्का? पक्का देखो स्टार्ट। देखो स्टार्ट हो गया ना हम तो। हैं स्टार्ट हो गया। हाँ, पांच चाय हैं और कॉफी कितनी है देख के बताना एक बार। देखो मैं दो निशु दीदी, तीन चार। चार कॉफी? दो कोल्ड कॉफी बना रहे हैं जी, गर्म वाली नहीं, कोल्ड कॉफी। हम चाय पीने वाले लोग, टी लवर्स हैं। तो सबको चाय दे दी और ये हमारे कीड़ू इतनी थक गई, सबके साथ बैठी थी वहाँ पे हॉल में, नींद आने लग गई इसको, फिर मैंने बोला इधर आजा हमारे पास आजा, फिर कीड़ू इधर आ गई और अब देखो नमकीन खा रही है क्या है तो यार कीड़ू नमकीन खा रही है, भैया आइसक्रीम लेने गए हैं, टाइम हो रहा है 4:27। जैसे बाकी तो वही है, ये सिस्टम सही किया है, वो जो आप ढूंढ रहे थे ना सूत, देख ब्रो देख कैसे किया, देख मैंने बोला सत्तू को, तो यार मेरे को भी वो लाइट चाहिए ना, जैसे पानी गिरता है ना, हां लाइट भी आती है, वो दीदी फट जाएगी, बढ़ गई है क्या, कितने लोग हैं, चार ही है, चार ही है, चार है, कोल्ड कॉफी कैसे बनाते हैं हम आपको रेसिपी बताते हैं, अब कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे यहाँ पर, सारी चीज़ें फिनिश करके जानी है। हाँ ये तो सही बात है, तो झूठा नहीं छोड़ना, झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, अन्न का अपमान तो फिर वापस जाना पड़ता है, हमें जो सर्व किया हम पूरा खाएंगे। आगे आगे यार, सबसे गंदी चीज़ पता है क्या है, हमने कवर चेंज कर दिया पहले, मेरा नहीं है फोन, बारिश का सबसे गंदा ये सीजन, देखो दीदी ये वैसे अजीब से कलर हो गया, हाँ ये अजीब सा हो जाता है, तो फ्रिज में रखा करो, चार फ्रिज में रखो, इस मौसम में ना कॉफी फ्रिज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, चोको सिरप शुगर थोड़ी डाले, नहीं डालते शुगर, डालते नहीं ना, मैं तो नाप के बनाता हूं, आइस क्यूब से कर रही है, अभी ये तो सब छोड़ ही देना, ये धंधा छोड़ दो, मैं चार्ज करता हूं, मेरे बहुत हाई प्राइसेस हैं, तो इसके लिए चाहिए हाइट अच्छी खासी, मैं रखता ही हूँ क्योंकि है थी घर वालों ने दीन कर दी
आप तो पहुंचो ही नहीं वहां पे। बाकी मेरे भाभी स्टूल लगा के सकते हैं। हम्म, मैं भी देखो मैं कुछ स्टूल यहां पे सीधा ऊपर। हम्म, हां जी, अच्छा लग रहा है वाइट में, अच्छे लग रहे हैं। वाइट के लिए सोचना ही नहीं पड़ता, कभी भी पहन लो। इंजीनियर लॉयर की जोड़ी ऐसी थोड़ी हो सकती है। ये आपको हरियाणवी वर्ड से जिनका हमें भी मतलब नहीं पता वो यही बताएंगे इसका मतलब क्या है। लाड़ मतलब मजा सा आ गया, मजा सा आ गया, खुश हो गया मन से ऐसे। क्या वाह वाह, कितने अच्छे लग रहे मेरे भैया भाभी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन है मेरा। कोल्ड कॉफी शेक अंकल, इतने पौधे लगाए हम देख रहे हो, घर का कोई कोना नहीं है। वहाँ शाम देखो पौधे पौधे हर जगह, किचन का ऊपर भी देखो, ये तो है। राखी चलती रह रही है अभी तो। मैं अपने घर अभी तो मैं अपने मायके जाऊंगी, वहाँ पे मेरे भाइयों को राखी बांधूंगी, तो अभी तो राखी का फेस्ट और लंबा चलेगा हमारा, है ना। एक भी फोटो आंटी को ना बना आंटी, एक भी फोटो से खुश नहीं है, कह रहे मेरे एक भी फोटो अच्छी नहीं थी उन लोगों ने मेरे, जबकि उनकी बहुत सारी पिक्स खींची है। सब जा रहे हैं वापस घर पे, पहले आंधी आई फिर बारिश आई और गाड़ी की हालत देखो। आज ही धोई थी मैंने सुबह, 10 घंटे भी नहीं चली। नाम वाम सब लिख लो चाहे, ये देखो। तो सेम डे में सेकंड टाइम फाइनली घर आ गए। अब कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। तो हम सब बाहर गए थे, जैसे कि हमने आपको बताया था हम कहाँ जा रहे हैं, वो भी आपको व्लॉग में पता है। तो अब हम उनके घर से आ गए हैं, ड्रेस चेंज वेंज करेंगे, उसके बाद में मेकअप। ज़्यादा कुछ तो मेकअप लगाया नहीं, बट फिर भी इतना मेकअप रखना नहीं चाहिए, बेसिकली अच्छा नहीं होता स्किन के लिए। करो करो, मैं देख रहा हूँ तुम्हें। पति पति को देख कर दुख है, अभी सुबह सुबह धो के ले गया था। आज इतनी मस्त चमकाई थी ना सुबह, इतनी मस्त चमकाई थी। पीछे वाले को तो हमने चमका के कवर लगा दिया, और इसको हमें क्योंकि बाहर लेके जाते हैं इसलिए हमने इसको चमकाया नहीं। देखो इनकी और मेरी राखी एकदम ट्विनिंग वाली है, देखो पहले वाली राखी जैसी पहले राखी, दूसरी जो इनकी नीचे वाली राखी उसकी जैसी सेम सेम। और ये भी कितनी सुंदर, देखो तीन तीन इसकी लटकन है। हाँ तो मतलब इनको प्रिजर्व करके रखूँगी। बात ये, चलो गाड़ी का जो है वो है। हाँ थोड़ा तो करो ना आप, तो देखो गाड़ी का जो है वो है। अभी हम अच्छे से दिन निकल गया, सेलिब्रेट कर लिया बढ़िया। और क्या चाहिए, बढ़िया राखी निकली मेरी। तो पहले राखी थी ससुराल में और बहुत अच्छी हुई मेरी। होली भी इतनी अच्छी थी, तो होली पे हमने इतने मजे किए थे लाइफ में, मतलब इतने कलर वाले से खेलने वाले पर्सन नहीं, बट इन्होंने इतना खेला था ना। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम होली खेली है।
और हमारी राखी भी पहले और इतनी अच्छी गई। मैं मतलब मेरा हमेशा ये होता था राखी भी हमेशा मैं घर ही होती थी। आज हम यहाँ पे गए वहाँ गए, हम लोग काफ़ी जगह बाहर बाहर जाके हम लोग मतलब पूरा दिन सेलिब्रेट किया हमने राखी को आज। ये और इस चीज़ में इस व्लॉग में पहले बता देते हैं, परसों फ्राइडे यानी 1 तारीख हम जा रहे हैं गाँव। गाँव क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था सिंजारा नाम की एक चीज़ होती है, तो किसी का सावन में होता है, हमारा भादवे की तीज को होता है। तो बेसिकली हमारे भादवे की तीज को मेरी आएंगे सिंजारा, तो मैं मायके जा रही हूँ। तो मैं अपने मायके जाऊँगी अब राखी बांधने के लिए, क्योंकि मेरे राखी का भी हुआ नहीं है, मेरी बस राखी लेके आई हूँ, लेकिन भाई लोग तो वहीं पर है मायके, तो मायके जाके उनको राखी बांधनी है। और नेक्स्ट डे मेरा सिंजारा आएगा, तो उसकी भी कुछ प्रिपरेशन करनी है, वही रेडी होंगी, इतने प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ खींचेंगे, फिर मैं वापस आऊँगी ससुराल। तो आने वाले ब्लॉग्स में बने रहना, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, इतने मज़े आने वाले हैं हमारे ब्लॉग्स में आपको। ये सब ना करें प्लीज। हाँ यार बहुत शोर होता है, मतलब रोड पे कोई नहीं, पता खाली रोड पे बाइक वाले के अलावा कोई नहीं है पूरी रोड पे, पी पू पी। तो ऐसा सा है, ऐसा सा है। और एक चीज और दिखाता हूँ, मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ से, ठीक है? दोनों के ये गेट पे कुछ रखा हुआ है, अरे यार ये गलत बात है, गलत बात है यार, बच्चा तो मैं हूँ ना सबसे छोटा। ये कीड़े का है, एक नीड़ों का है, ऐसे गलत बात है। निशु और मेरा मन कर रहा है खाने का। तो रात के बज गए हैं 10:30, जो 7 बजे 7:30 बजे खाना खाते हैं आज, वो इतना लेट हो गए हैं। तो खाना ही दिखाएंगे हम आपको, और सारा खाना आज बाहर से लाएँ क्योंकि आज बहुत बिजी थे, जैसा कि आपको बताया परसों गांव जाना है तो पैकिंग कर रहे थे, तो सोचा बाहर से मंगवा लेते हैं। छोले भटूरे, ये छोले भटूरे, वो छोले कुलचे, छोले कुलचे, और ये क्या है? डोसा, 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 पाव भाजी, उसमें पाव भाजी होगी, और अगेन पाव भाजी। तो आज हम मेंबर है, टोटल 6 मेंबर है, अपना अपना खाना खाते हैं, ठीक है? ये जो भी है, तो आज मैं फिर से काउंटर पर बैठा हूँ, आज वो ना होके आज मेरी कीड़ू है, और कीड़ू बना रही है गार्लिक ब्रेड है। कीड़ू कीड़ू नींद से उठी है, और उठते मैंने बोला मुझे गार्लिक ब्रेड खानी है, खुद को भी खानी थी, ऐसी बात नहीं है, मम्मी ने बोला तकड़ो लागे, ये रही मेरी गार्लिक ब्रेड, मत अति खाऊं ब्रो। जैसा कि आपको पता है कल थी राखी, तो राखी का त्यौहार तो हमने सेलिब्रेट कर लिया है, सब सेलिब्रेट किया है, इतने सारे कपड़े वपड़े पहने हैं, तो उन सब कपड़ों को आज धुलने का टाइम आया, आज सारे कपड़े मैंने धुले हैं सारे सारे, और इतने ज़्यादा मज़े किए हम लोगों ने। हमारा मेरी पहली राखी थी यहाँ पे ससुराल में, बहुत ज़्यादा मज़ा है, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया यार। हम लोग बाहर इधर उधर घूमने गए, किडू को लाने गए थे, फिर बाद में मैं ज्योति निशा और मम्मी पापा हम सब लोग फिर हमारे रिलेटिव के घर गए, इतने मज़ा आए, वहाँ पे खूब मस्ती की, वहाँ पे हमने डांस वांस किया, और सच में कुल मिला के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था राखी का त्यौहार। तो अब आज के इतने सारे कपड़े आप देख ही सकते हो, सारे भर भर की बाल्टियाँ भर के कपड़े धोए हमने, सारे कपड़े सुखाते हैं, उसके बाद में कल रात को क्या इतनी ज़्यादा थक गए थे ना, मतलब खाना वाना खाया, पहले चीज़ें कुछ कर रहे थे, फिर कल के पूरे दिन की थकान भरा तो था पूरे दिन का, तो इस ब्लॉग को हम एंड नहीं कर पाए थे, इसलिए इस ब्लॉग को हम एंड करेंगे। साथ ही साथ आपको एक नया अपडेट भी देना है कि इसी के साथ में आना, क्योंकि हमें जाना है कल गाँव, क्योंकि अभी मैं मायके नहीं गई हूँ, मुझे वापस मायके जाना है, मेरे भाइयों की भी राखी बांधनी है, साथ तो वहाँ भी दो फंक्शन है, ये एक्साइटमेंट हमारी खत्म ही नहीं हो रही, देखो मेरा पहला सिंजारा है, और मेरी ससुराल से मेरी पहली राखी भी है, क्योंकि मैं अपने पहली बार अपने भाइयों के लिए यहाँ से जाके राखी बांधूंगी। चलो पहले कॉलेज जाते थे वो अलग चीज़ है, लेकिन ससुराल से जाना वो इससे भी अलग चीज़ है, तो कल मैं अपने भाइयों के पास जाऊंगी, उनको राखी बांधूंगी, और साथ साथ सिंजारे की भी कुछ प्रिपरेशन करनी है, जो कि आने वाले ब्लॉग्स में हम दिखाएंगे, तब जाएंगे लाइक इससे पहले हमने एक दो जगह गए तो उसका शूट किया हमने, तो वो व्लॉग भी आप देख लेना साथ ही साथ। और मतलब ये बोल रहे हैं कि जैसे हम आज सब जा रहे हैं, पूरी फैमिली जा रही है, कल निकलेंगे हम लोग, जब तक आप ये व्लॉग देखोगे ना
तब तक हम पहुंच चुके होंगे गांव, तो गांव में जाके क्या टाइम नहीं मिलेगा, एडिटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। आपको पता गांव जाते हैं तो ऐसा ही होता है। तो कहने की बात यह है कि हमने एडवांस में जो व्लॉग बना रखे हैं एक दो, तो वो आएंगे और उसके जस्ट बाद में वापस जैसे हम गांव से आ जाएंगे 3-4 दिन में, तो वो व्लॉग्स जो है हम कंटिन्यू कर लेंगे। ऐसा कंटिन्यू कर देंगे आप उसके आने वाले टाइम में, मतलब जब भी हमें टाइम मिला हम जयपुर वापस आ जाएंगे, एडिटिंग करेंगे, उसके बाद में हम आपको सिंजारे वाले और मेरी राखी के जो मैंने घर पे गांव में सेलिब्रेट की थी अपने भाइयों के साथ में, वो आपको सिंजारे वाले व्लॉग के साथ में देखने को मिलेगा। कुल मिला के स्टे ट्यून, और बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स आने वाले हैं हमेशा की तरह। हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करते हैं आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए, अच्छी चीज़ें करने के लिए। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड लास्ट में आप मेरे ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है हर वीडियो में यार कोई सब्सक्राइब कर भी रहा है नहीं देख रहा, क्योंकि इतने कम लोग देखते हैं यार सब्सक्राइब कोई कर भी रहा है, मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि अभी स्टार्टिंग के शायद इसलिए लग रहा है कुछ भी हो, बट आप हमें सपोर्ट करो यार, देखो हमारी वीडियोस को, और साथ ही साथ उसमें जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस करके रखो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको फटाफट दिख जाएगा। अगर मेरी वीडियोस का टाइम शाम को 5 बजे ही रखा है मैंने, अगर आपको उससे पहले देखने हो तो मैं आप भाई कमेंट करके बताओ मुझे उस हिसाब से, तो मैं उस हिसाब से और भी जल्दी अपलोड करूँगी। तो तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, मुझे यूं ही अपना प्यार बरसाते रहिए मेरे पे, तब तक के लिए बाय।